दिल तोड़ रहे हैं विक्रांत। सही भाई, रिंकू का तो दिल टूटा होगा, बिकॉज रिंकू ने शायद दो तीन तीन दिन पहले तक सोचा नहीं होगा कि मैं 15 में भी नहीं हूँ। दरअसल यार आपने कैसे रिंकू सिंह को छोड़ दिया? मैंने कहा सिंह को मैंने नहीं छोड़ा, रिंकू सिंह की जगह कोई और आ गए हैं शिवम। लेकिन हमेशा वर्ल्ड कप आप जानते हैं जाति किसी न किसी के साथ होती है। इंडिया पाकिस्तान के रिजल्ट के रिगार्डलेस, इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, क्योंकि देखिए 2022 में जब इंडिया हार गया था ना वर्ल्ड T20, तो सईद भाई उस वक्त तो ये आ गया था कि जी अब नई सोच होगी, नए खिलाड़ी होंगे, नए कप्तान होंगे। खैर अगेन ये लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, हकीकत ये है कि टेस्ट नहीं है, T20 में हम पीछे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस थे, वो ऑप्शन वो टीम कामयाब नहीं हो पाई दोनों एडिशंस में। सुनने में आ रहा था कि जी टीम मैनेजमेंट केएल राहुल के लिए जाना चाहती है, कोच साहब जो है केएल राहुल के लिए जाना चाहते हैं, राहुल द्रविड़ ने। सईद भाई मैं थोड़ा सा वरिड हूँ, जो रिसोर्सेज हैं और जो इनकी सोच है उस लिहाज में, रिंकू सिंह नाम का एक खिलाड़ी आया, हमने कहा यार फिनिशर आया, रिंकू सिंह को जितने मौके मिले उन्होंने अच्छा भी किया, लेकिन हुआ क्या, इससे आगे ना बड़े नाम चलाए जा रहे थे, केएल राहुल का नाम चलाया जा रहा था और भी नाम चलाए जा रहे थे। इतिहास से कह रहा हूँ अब ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी नहीं जीतेगी वो बात, टीम का जो बैलेंस है वो ये है कि आपने तीन ही तेज गेंदबाज रखे हैं, चूंकि चार रिजर्व अनाउंस हुए हैं, उनका कोई रोल नहीं है, मतलब वो एक तरह से लॉलीपॉप है। हमारे पास सभी डिपार्टमेंट में, विकेट कीपिंग की अभी हम बात कर रहे थे, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, हर जगह चॉइस बहुत थी और पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। आपको लगता है किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है और ये जो टीम है ये बहुत संतुलित टीम है, यही टीम, इसी तरह की टीम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ और? विक्रांत सही भाई, नाइंसाफी तो क्या होता है ना कि जो खिलाड़ी 15 में नहीं होगा उसे लगेगा यार मैं क्यों नहीं हूँ। मैं दो नाम लेना चाहूंगा, एक है शुभमन गिल का और एक है रिंकू सिंह का। पाकिस्तान लाइफ के मोजिस नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन स्क्वाड का ऐलान होते ही भारतीय मीडिया पे खलबली मच गई और वो प्लेयर्स की सिलेक्शन पर खुश नहीं दिखाई दे रहे। खास तौर पर भारत के नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता काफी मायूस हैं और उनको यही लगता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए ये टीम बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और वर्ल्ड कप में अब पाकिस्तान को हराने के अरमान पर पानी फिरने वाला है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था इस क्लिप में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से